ओम शांति आज की तारीख है अट्ठाईस चार तेईस और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे इस कलयुगी दुनिया का सुख ध्यान से सुनो कलयुगी दुनिया का सुख कांग विष्टा के समान है ये दुनिया तो अब गई कि गई इसलिए इससे लगाव नहीं रखना है आसक्ति निकाल देनी है प्रश्न है किन बच्चों की दिल इस पुरानी दुनिया से लग नहीं सकती है उत्तर है जो आज्ञाकारी वफादार निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनकी दिल इस पुरानी दुनिया से लग नहीं सकती क्योंकि उनकी बुद्धि में ये रहता है कि ये तो विनाश हुई की हुई ये तिलसम ये तो जादू का खेल है माया का भपका है इसका तो अब विनाश होना ही है डेम फटेंगे अर्थक्विक होंगी सागर धरनी को हप करेगा ये सब होना है नथिंग न्यू हाँ बाबा कहते कोई नई बात नहीं स्वीट होम स्वीट राजधानी याद है तो इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लग सकती गीत बजा है जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु नंबर एक इस दुनिया में स्वयं को मेहमान समझना है मेहमान तो दो घड़ी के लिए आते हैं चले जाते हैं तो पल दो पल के वो होते हैं तो इस दुनिया में स्वयं को मेहमान समझना है देही अभिमानी बन पुरानी दुनिया और पुरानी देह से उपराम रहना है नंबर दो योग से आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है पुराने शरीर तरफ आकर्षित नहीं होना है इससे लगाव नहीं रखना है वरदान सतगुरु बाबा का शांति के अवतार बन यानी जैसे कोई देवात्मा अवतार ले इस धरती पर तो शांति के अवतार बन विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले शांति देवा भव मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं जैसे छोटा सा फायरफ्लाई जुगनू जिसको कहते हैं वो दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव कराता है ऐसे विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्माओं के द्वारा मिल रही है बुद्धि द्वारा अनुभव करे कि शांति का अवतार शांति देने आ गए हैं। चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खींची हुई आए। इस शांति की शक्ति का अभी प्रयोग करो स्लोगन है जिनका स्वयं पर जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है वे अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुखता में आते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते ओम शांति